Hello friends, this video is for BCom. So in this video we are going to study about distance and displacement. It is the part of physics syllabus and it is discussed in the syllabus of class 9th and 10th standard students. Okay, so we are going to learn about distance and displacement. Okay, it is a very easiest and short topic. We will be studying with the help of some very nice illustrative examples. Okay, start karte hain isko. So let me first write the heading. Just a second. Distance and displacement. So when body is performing motion, जब कोई body जब है कि motion perform कर रही होती है तो वो कितनी दूरी तय करती है अपनी main position से, initial position से. जब कोई body अपनी position change कर रही है, so we say that object is in motion, right? तो जब वो अपनी position change कर रही है और एक particular length उसने cover किया है, so here comes that how much length the body has covered. यही चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो एक एक करके समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है. सो बेसिकली डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द, डिस्टेंस पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं आपको, समझते हैं इसको. मान लीजिए एक रास्ता है ये, ठीक है, ये एक रास्ता है और यहाँ पर हमारे चिंटू भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, उनका नाम है चिंटू, ठीक है. अब चिंटू भाई साहब चले स्ट्रेट लाइन में, समझ लीजिए ए पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू किया है और ए से समझो पहले ये बी तक गए और फिर ये बी से गए हैं सी पर, ठीक है, ए से बी और बी से सी पर इन्होंने ऐसा ट्रेवल किया है. अब मान लेते हैं कि ए से बी की जो दूरी है वो है 50 मीटर्स और बी से सी जो है वो है 60 मीटर्स, ठीक है. लग नहीं रहा है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं. बी से सी मान लेते हैं 60 मीटर. तो अब अगर मुझे बताना है कि चिंटू भाई साहब ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो मैं क्या करूंगा, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय मीन्स ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो ए से बी और बी से सी ये पूरा जो लेंथ चिंटू ने कवर किया है इसको हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द चिंटू, राइट. तो कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो जिसने कवर किया है भाई यहाँ पर अगर देखें तो ए से बी और बी से सी कितना हो जाता है, 50 प्लस 60 110 मीटर. एंड इफ यू नो द डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर एस, इसको एस से डिनोट किया जाता है. नाउ आई विल राइट एस इज इक्वल्स टू 50 प्लस 60 दैट इज 110 मीटर. सो चिंटू हैज कवर 110 मीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर किया सिंपल द एक्चुअल पाथ, एक्चुअली कौन से रास्ते से गया, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. एंड इफ आई से अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. So, कैसे मेजर किया है, मीटर में मेजर किया जाएगा, ठीक है, स्मॉल एंड लेटर ले लेते हैं इसको, मीटर में मेजर किया जाता है. वैसे लेंथ के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लाइक किलोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो कौन सा यूनिट लेंगे हम लोग यहाँ पर, एसआई सिस्टम कहा जाता है. एसआई सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा, एसआई सिस्टम मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको ऐसे कहा जाता है. तो ये संस्था होती है ये डिसाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पर कौन से क्वांटिटी के लिए क्या यूनिट्स जो है यूज किए जाएंगे ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर. सो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये डिस्टेंस को जो मेजर करना है आपको इसमें मेजर करना है, ये मीटर्स में मेजर करना है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, ठीक है. डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है, इसको ही रिलेट करके डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं हम लोग. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हमेशा रिलेट करके पढ़ना है तो आसान समझ में आ जाएगा. अब डिस्प्लेसमेंट शब्द का मतलब क्या होता है कि अपनी प्लेस चेंज करना, मतलब एक पोजीशन पर था अब कहीं और पहुंच गया, दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ दो पोजीशन है चिंटू की, मेन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन. तो यहाँ चिंटू भाई साहब कहाँ शुरू किए थे, कहाँ से शुरू किए थे, ये
इन्होंने यहां से शुरू किया था ए पॉइंट से, ये ए क्या हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, ए क्या हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और फाइनली यहां से यहां गया, यहां से गया कहां, रास्ते में कहां गया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यहां पर रास्ते में कहां जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल पोजीशन क्या है इसका ये देखना है यहां पर, तो ए यहां से चला है और यहां पे खत्म हुआ है, तो ये क्या हो गया सी, इसका हो गया फाइनल पोजीशन, सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ चिंटू, राइट। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी अगर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या लेंथ होता है, कितना डिफरेंस होता है, उसकी जो लेंथ होती है जो पाथ होता है उसको आप क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट, यहाँ ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट और ये जो सी पॉइंट है इसकी जो दूरी है ये है मान लेते हैं 80 मीटर, ठीक है सपोज 80 मीटर रखेंगे, तो ए से बी, ए से सी की दूरी कितनी है 80 मीटर, तो अगर आप कहें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चिंटू भाई साहब का, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया चिंटू भाई साहब का 80 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया 80 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट, कोई बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है ना, 80 मीटर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया है, सो यहां पर 80 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज आल्सो मीटर, ठीक है, इसको भी मीटर में ही मेजर किया जाता है, इसको भी मीटर में ही मेजर किया जाएगा, एसआई यूनिट इज आल्सो, एसआई यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। अब अगर बात करें कि यहां पर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है यहां पर, सो यहां पर देखेंगे कि जो डिस्टेंस है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी होती है, एक्चुअल पाथ है प्लस ये स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द लेंथ ऑफ द और द डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द और द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम भी आती है, उसके लिए भी हम लोग आगे केसेस स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट रहेगा जीरो, ऐसा भी हो सकता है, तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसमें आते हैं, तो ये हो गया भाई स्केलर क्वांटिटी, इसको क्या कहेंगे, इसमें की भी क्या है डिस्प्लेसमेंट जो है ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है बेटा ये एक हम लोग अलग ही वीडियो होता है इसमें, ये मतलब ये अलग ही टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनानी होगी हमको कि हम स्केलर वेक्टर क्या चीज होती है, ठीक है, फिर भी एक बार समझा देते हैं आपको, शॉर्ट में समझा देते हैं, देखिए किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मेन क्या चाहिए होता है अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है भाई एक नंबर होता है और साथ में एक यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड में क्या होता है एक नंबर होता है और साथ में एक यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड मतलब ठीक है यहाँ पर जैसे कि व्हाट इज माय वेट, मेरा वजन कितना है, तो मेरा वजन कितना हो जाएगा भाई 60 किलोग्राम, तो 60 क्या हो गया एक नंबर और केजी क्या हो गया एक किलोग्राम, तो ये दोनों चीज को मिला के हम क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया एक मैग्नीट्यूड, तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से मेजर कर सकते हैं, मतलब एक नंबर चाहिए आपको सिंपली और एक यूनिट चाहिए, देन यू कैन मेजर दैट क्वांटिटी और अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी और एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी वेरी वेल, सच अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, बट देयर आर सम क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक समझो ब्लॉक पड़ा हुआ है बड़ा सा कबर्ड है उसको मुझे क्या करना है पुश करना है, मुझे यहाँ से किसी चीज को उस तरफ लेकर जाना है, उस तरफ लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगा इधर फोर्स लगाऊंगा क्या, मुझे उधर फोर्स लगाना पड़ेगा उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगाना होगा ना, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूरी है कि भाई फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का और वो भी इस तरफ, तो जाके वो उस तरफ मूव करेगा, राइट, तो फोर्स हैज सम डायरेक्शन, तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस नहीं किया जाता उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ जाएगा यहाँ पे अभी, ठीक है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन,
तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चीजें जरूरी हो जाती हैं किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब यहाँ से मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, लाइक 110 मीटर लिख दिया, समझ में आ जाता है कि ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे ये समझाता हूं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये लिख देते पहले यहां पे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझाते हैं डिस्टेंस को कितना कवर किया, वो कहीं भी गया, किधर भी गया, कैसे भी गया, देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, किधर भी गया, वो पूरा लेंथ आपको मेजर करना होगा, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, कहां गया कैसे गया वो कोई मतलब नहीं है, कितना दूरी उसने तय किया है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई आपको बताना होगा कि ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ था और अभी यहाँ पहुंच गया, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं अभी यहाँ पर था और अब मैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ क्या बता रहे, यहाँ मतलब क्या कर रहे, एक तरीके से डायरेक्शन बता रहे हैं ना आपको, भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो इट हैज सम डायरेक्शन, मतलब यहाँ से यहाँ एक मीटर की दूरी पर मैंने तय कर दिया, तो 1 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। सो displacement is expressed with the help of magnitude as well as direction, that's why it is a vector quantity. तो ये हो जाता है vector quantity. ठीक है, so this was a demo video for you. Okay, this video is for Bitcode. Thank you so much.